नमस्कार, डायनोड सॉफ्टवेयर के पीएमएस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन कन्वर्जन। प्रोडक्शन कन्वर्जन का फीचर का एग्जांपल देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सुगर या चीनी का रीपैकेजिंग करती है। वह बोरे में और क्विंटल में शुगर को लाते हैं एवं उसको 1 केजी, 2 केजी या 5 केजी के पैकेजिंग में रीपैकेजिंग करके सेल करते हैं। कैसे इस काम को हम लोग पीएमएस में कर सकते हैं, यह हम लोग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 ग्रुप बनाने होंगे, एक रॉ और एक फिनिश। उसके बाद प्रोडक्ट बनाइए। ग्रुप और प्रोडक्ट कैसे बनेगा इसकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रोडक्ट कन्वर्जन कैसे करते हैं। मास्टर केशन में जाएं, प्रोडक्शन कन्वर्जन में जाएं। कन्वर्जन में प्रोडक्ट ग्रुप कैटेगरी खोलें और यहाँ पे एक बार इसको सेट कर दीजिए। रॉ मटेरियल ग्रुप के अंदर में रॉ का नाम ले लेंगे और फिनिश मटेरियल ग्रुप के अंदर हम लोग फिनिश का नाम लेंगे। यहाँ से यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो रॉ सेट कर लेंगे यहाँ से चूज करके, और यहाँ फिनिश करेंगे तो हम लोग फिनिश कर लेंगे। ये सेट करने के बाद वापस मास्टर केशन में जाएंगे, प्रोडक्शन कन्वर्जन में जाएंगे और कन्वर्जन मास्टर को ओपन करेंगे। इसको हम लोग 1 टाइम सेट करते हैं यहाँ से कि किस कौन से पैकेजिंग को हमको रेडी करना है। तो शुगर 1 केजी पैकेट को रेडी करना है, शुगर 1 केजी का पैकेट को लिए हमको इसका 10 पैकेट रेडी करना है। तो 10 पैकेट को रेडी करने में शुगर हमारा कितना यूज होगा यह हम लोग डाल दिए, इसको हम लोग एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाएंगे। अगेन परचेज में जाएं और प्रोडक्ट कन्वर्जन को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर का विंडो ओपन हो गया है, कन्वर्जन का विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर का सीरियल नंबर और डेट ये ऑटोमेटिक कैरी करेगा। इसके बाद यहाँ का मैनेजर कौन है वो चूज कर लें, किस प्रोडक्ट का हमको कन्वर्जन करना है वो चूज कर लें। यदि आप गोडाउन यूज करते हैं तो गोडाउन का नाम चूज कर लें, कितना पैकेट हमको रेडी करना है वो क्वांटिटी में डाल दें। क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पे एक बटन प्रेस करना है, F11। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक आप देखेंगे जो मेरा शुगर जो मैंने वहाँ लिंक किया था यहाँ कैरी कर लिया। यहाँ पर फीचर की हम लोग बात करें तो कैलकुलेशन ऑन नेट रेट परचेज रेट। नेट रेट सॉफ्टवेयर के द्वारा बाय डिफॉल्ट दिया गया हुआ है, आप चाहें इसको परचेज रेट पर भी अपना कैलकुलेशन करा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये प्रोडक्ट कब आपका बन रहा है वो डेट यहाँ डाल सकते हैं, ये प्रोडक्ट कब आपका एक्सपायर कर रहा है वो भी डेट डाल सकते हैं। प्रोडक्शन लॉस, किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन होता है उसमें कुछ परसेंटेज लॉस होते हैं, तो सॉफ्टवेयर में ये फीचर दिया हुआ है, आप इसको चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं। नेट अमाउंट ऑटोमेटिक कैरी कर लिया रेट के अनुसार। अदर चार्जेस, यदि प्रोडक्शन के दौरान कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपकी होती है और आप चाहते हैं कि मेरा वो नेट रेट को इफेक्ट करे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंटर मार्क आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप देखेंगे ऑटोमेटिक मेरा शुगर 1 केजी का पैकेट बनकर मेरा यहाँ पे 20 पैकेट रेडी है। गोडाउन चूज करेंगे, नीचे करेंगे, ये हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, यस करेंगे। यदि इसके प्रिंटिंग की जरूरत है आपको तो प्रिंटआउट ले सकते हैं, नहीं तो इसको आप नो करके बाहर यहाँ से निकल सकते हैं। प्रोडक्शन के बाद आपको नीड है कि रिपोर्ट देखने का, मेरे कौन सा प्रोडक्ट का क्या प्रोडक्शन हुआ है, आप वो रिपोर्ट भी बहुत इजी वे में यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ रिपोर्ट्स की विंडो में जाएं, इन्वेंटरी स्टॉक्स में जाएं, स्टॉक में जाएं,
सेल्स स्टॉक स्टेटमेंट और ये ग्रुप, ग्रुप में जाएं और जिस भी ग्रुप का आपको स्टॉक देखना है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। रॉ का देखना है तो रॉ चूज करेंगे, फिनिश का चाहेंगे तो फिनिश कर देख सकते हैं, दोनों का चाहेंगे तो आप एक साथ यहाँ से देख सकते हैं। ये रिपोर्ट्स का विंडो खुल करके आपका रेडी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।